सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम कुछ पुराना सीखने वाले हैं। पुराना मीन्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ ये मेल आईडी बनाना। मेल आईडी बनाना अधिकतर आप सभी लोगों को आता होगा, बट यार सभी लोग नहीं जानते ना हर चीज। तो जिन लोगों को नहीं आता, ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए कि वो मेल आईडी कैसे अपनी एक बना सकते हैं। मैं आपको सारी चीजें लाइव करके सिखाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक मेल आईडी अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, जिसे आप हमेशा याद भी रखेंगे और अपना पासवर्ड भी मैं आप लोगों को ऐसा सिखाने वाला हूँ कि वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो मेरे हाथ में ये फोन है, इसी से मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक मेल आईडी क्रिएट करते हैं। सिंपली हमें करना क्या है, अपने फोन में एक ब्राउजर ओपन करना है। चाहे आप कोई भी ब्राउजर, इंटरनेट ब्राउजर यूज करते हो फोन में, वो यूज आपको करना है। लाइक जैसे हम अपने फोन में यूज करेंगे क्रोम। सो गाइस, हमने क्रोम ओपन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा जीमेल न्यू अकाउंट। मैंने इस पे स्टडी करी थी थोड़ी सी के, और इजी स्टेप्स तो कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है, आपको भी यही करना है। जीमेल न्यू अकाउंट, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, देन आपके सामने कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे वेबसाइट का वो खुल जाएगा सारा इसमें गूगल में। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन क्रिएट योर गूगल अकाउंट। सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है, देन आपके सामने कुछ इस तरह का ऑटोमेटिकली ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी ऑलरेडी मेल आईडी बनाई हुई है वो शो ऑफ हो जाएंगी। सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, एड अकाउंट टू डिवाइस, इस पे आप क्लिक करेंगे। सो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से ये सब किया हुआ है, तो इसको माइंड ही नहीं करना है यार। एंड यहाँ पे अब आपके सामने क्या आएगा, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और फोन नंबर डालना है, अगर आप फोन से या यूजर नेम से बनाया हुआ है ऑलरेडी आपने अकाउंट, तब ये काम हम बाद में करेंगे। फिलहाल हमें करना क्या है, यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा है क्रिएट अकाउंट, सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। जैसे हम कर लेते हैं, हमने क्रिएट अकाउंट करा, दो ऑप्शन आते हैं पे, फॉर माई सेल्फ एंड टू मैनेज माई बिजनेस। अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं तो सेकंड वाले पे ऑप्शन करेंगे, अदरवाइज फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करेंगे। सिंपली हम फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देते हैं, देन यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, जो भी आप जिस नाम से भी ये बनाना चाहते हैं। आई मीन से ये तो सिर्फ आपका जो है आइडेंटिटी के लिए नाम होगा, सिर्फ यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आगे यूजर नेम कैसे बनाना है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम डाल देते हैं, जैसे मैं अपना ही बना लेता हूँ गौरव, एंड मैं यहाँ पे लास्ट नेम LLB कर लेता हूँ, LLB। नेक्स्ट, देन यहाँ पे मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, यहाँ पे डे मंथ ईयर एंड अपना जेंडर। यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं आपको, फीमेल मेल रेदर नो से एंड कस्टम, ठीक है। यहाँ पे ये करने के बाद में नेक्स्ट कर देना है आपको सिंपली। देन आपको यहाँ पे इतने सारे यूजर नेम आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे LLB Gaurav142@gmail.com एंड Gaurav LLB020@gmail.com। एंड यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिलता है आपको, क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस। सो हम सिंपली इसी पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप जो भी आपको मन करे अब आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं अपना जो है एड्रेस जीमेल अकाउंट का। सो मैं यहाँ पे अपना चूज करूंगा, जैसे गौरव, जैसे मैंने यहाँ पे gaurav.adb करा है। अब मैं सिंपली इसे नेक्स्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी यूजर नेम किसी ने लिया हुआ है। तो अब हम कुछ और ट्राई करेंगे, जैसे मैंने ये लिया है 235101, अब देखते हैं। सो गाइज, ये मेरा ले लिया है फाइनली LLB235101, ठीक है। अब यहाँ पे पासवर्ड आप लोगों को मैं समझाते देता हूँ कि कैसे आप हमेशा पासवर्ड बनाएंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे बनाया जाता है, हालांकि मैं इसे बनाऊंगा नहीं, ये मैं सिखाने के लिए आप लोग कर रहा हूँ। जैसे कि मैं अपने नाम से पासवर्ड बना लेता हूँ, GAURAV गौरव और @1, इस तरह से आप पासवर्ड बनाए। यहाँ पे जहाँ पे मैंने 1 करा है वहां पे आप कुछ भी 12345 या 10 digit जो भी आप चाहे वो कर सकते हैं @ की जगह। और भी आपको जैसे मिल जाते हैं फंक्शन, लाइक ये @has और ये हमारे रुपए का सिंबल है और ये एंड, इस तरह के आप जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड में। नेक्स्ट करेंगे, ये मतलब ओके है, ठीक है। देन यहाँ पे अब क्या करना है, यस आई एम,
सिंपली आपको करना है, क्योंकि ये SIM आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप ये अपने ही फोन में आपने बनाई है और इसे SIM आप यहाँ पे कर देंगे सिंपल। देन यहाँ पे आपको जो मेरा लॉगिन आईडी है, जैसे गौरव LLB, ये तो मेरा नाम हो गया, मेरी जो आईडी है LLB2351@gmail.com, ठीक है, ये हमने बना दिया। नेक्स्ट करेंगे गाइस, इस आईडी को मैं कभी यूज नहीं करने वाला हूँ किसी भी काम में, तो आप लोग अगर मतलब आप लोगों को लग रहा है कि हम इस पे मेल कर सकते तो प्लीज आप इस आईडी पे मेल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसे यूज नहीं करने वाला हूँ। मतलब अगर आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो आप इस पे मेल करें तो शायद ही मैं देख पाऊँ, तो आप इस पे मेल ना करें। आपको डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक मिला हुआ है जहाँ पे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे लास्ट में आके आप एग्री करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमारी मेल आईडी है वो सारी खुल गई है, ठीक है, जो भी हमारी थी। अब यहाँ पे अब आपको करना क्या है, ऐड न्यू अकाउंट। आप चाहें तो सारी आईडीज को साइन आउट कर सकते हैं अपने इस सिस्टम से, तो ये भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे ऐड अकाउंट टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप अपनी मेल आईडी जो भी आपने बनाई थी। सो गाइस, इस तरह से जो आपकी मेल आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमारी पूरी मेल आईडी है जो कि बनके तैयार हो चुकी है। तो आप इस तरह से एक इजीली वे में मेल आईडी बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोगों को आती है मेल आईडी बनाना तो उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को नहीं आती है, ठीक है। एंड अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।